अयोध्या में बन रहे भगवान राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों के बीच भगवान राम की कहानियां भी बताई जा रही हैं। ऐसे में आई इंडिया आज आपको यह बताएगा कि भगवान राम के वनवास में उनकी मुलाकात हनुमान से कहां हुई थी और आज उस जगह क्या है। वनवास के दौरान भगवान राम सबसे ज्यादा भारत के किस शहर में रुके थे, वो शहर आज कहाँ है। बताते चले कि अपने वनवास में भगवान राम ने अयोध्या से धनुषकोटि और फिर लंका तक की यात्रा की थी। इन 14 साल के वक्त में वे अलग अलग जगहों पर रुके थे और एक जगह पर कुछ वक्त रहकर आगे बढ़े थे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जिन जिन राज्यों में रुके थे उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि शामिल है। भगवान राम का वनवास 14 साल का था और माना जाता है कि इस वनवास के दौरान सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने चित्रकूट में ही बिताया था। अयोध्या से चित्रकूट तक आने में भगवान को 10 दिन लगे थे। इसके बाद लंबे समय तक वे चित्रकूट और उसके आसपास के स्थान पर रहे थे। चित्रकूट से भगवान सुतिक्षण आश्रम तक गए थे और यहाँ आसपास घूमते रहे थे और उन्होंने इस दौरान कई ऋषियों मुनियों के दर्शन किए थे। बताया जाता है कि भगवान यहाँ 12 साल तक रहे थे और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ 1.5 साल रहे थे और बाकी 12 साल कुछ महीने दूसरी जगहों पर रहे थे। 14 साल के वनवास में 10 साल का वर्णन कुछ चौपाइयों में ही पूरा हो गया है और वाल्मीकि रामायण में 10 साल के लिए सिर्फ 3 से 4 श्लोक लिखे गए हैं। वहीं रामचरितमानस में आधे हिस्से में 10 साल की बात लिखी गई है, लेकिन ये कई रिपोर्ट में सामने आया है कि सबसे ज्यादा वे चित्रकूट और इसके आसपास के इलाकों में रहे थे। रामायण में उल्लेखित और अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक अयोध्या से प्रारंभ हुई वनवास यात्रा रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका तक पहुंची। माना जाता है कि इस दौरान वह 200 से ज्यादा स्थानों पर ठहरे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।